नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि जब बीएड का इंटर्नशिप होता है तो उसमें ग्रुप रिपोर्ट लिखी जाती है। तो ग्रुप रिपोर्ट लिखने में बड़ी परेशानी होती है और ग्रुप रिपोर्ट सबको लिखना पड़ता है, लेकिन ग्रुप लीडर होने के नाते ग्रुप लीडर को सबसे पहले लिखना पड़ता है। और मैं जब बीएड कर रहा था तो मैं खुद ग्रुप लीडर था, इसलिए रिपोर्ट मैंने सबसे पहले लिखी थी। और आज आपको बताया जाएगा कि हाउ टू राइट इंटर्नशिप ग्रुप रिपोर्ट इन हिंदी। तो दोस्तों शुरू कर दें आज का वीडियो। इंटर्नशिप ग्रुप रिपोर्ट डे वन, पहले दिन क्या हुआ कि दिन सोमवार था, तारीख 14/1/2013, पहला पीरियड, टाइमिंग है 1 बजे से 1:30 बजे तक। अब कार्य क्या हुआ उस दिन कि हमने 7th B, ये मेरा पर्सनल ग्रुप रिपोर्ट है, इंटर्नशिप ग्रुप रिपोर्ट है, हमने 7th B के बच्चों को जीवन कविता पढ़ाया। हमने 7th B के बच्चों को जीवन कविता पढ़ाया। पूजा ने कक्षा 7th A में हिंदी पढ़ाया। रीना ने अपने पढ़ाने वाले पाठ की तैयारी की। प्रयोगशाला का निरीक्षण हेतु मधु ने प्रयोगशाला का निरीक्षण मधु ने किया। पाठ की तैयारी कर रही थी अंशिका। संध्या जी ने स्टाफ रूम में रजिस्टर का निरीक्षण किया। तो फर्स्ट पीरियड में हमारा ग्रुप क्या कर रहा था उसके विषय में ग्रुप लीडर की ये रिपोर्ट होती है। अब दूसरे पीरियड में क्या हुआ, 14/1/2013 सेकंड पीरियड, 1:30 बजे से 2 बजे तक, संध्या जी ने खेल के मैदान का निरीक्षण किया। अंशिका ने और मैंने पाठशाला की पर्यवेक्षिका जी से मिलकर हमने आगे का कार्यक्रम तय किया। मधु ने पाठ की पूर्व तैयारी की। रीना ने 8th C में हिंदी पढ़ाया। पूजा ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया। सीमा ने 6th B में हिंदी पढ़ाया। ऐसा सेकंड पीरियड में हुआ इस एक ग्रुप में। अच्छा, तीसरे पीरियड में क्या हुआ कि 2 बजे से 2:30 बजे तक का पीरियड आधे घंटे का होता है। संध्या जी ने पुस्तकालय जाने की चर्चा की। संध्या जी ने 8th B को इतिहास पढ़ाया। अंशिका ने 7th B के बच्चों को तृतीयक व्यवसाय पढ़ाया। कक्षा 6th A में मधु ने विज्ञान पढ़ाया। रीना ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया। पूजा ने खेल के मैदान का निरीक्षण किया। कविता पाठ की तैयारी कर रही थी। ये थर्ड पीरियड में हुआ। फोर्थ पीरियड में क्या हुआ, 2:30 बजे से 3 बजे तक संध्या जी ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया। मैंने और अंशिका ने अतुल सर से मिलकर बैठने का इंतजाम किया। मधु ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया। रीना ने खेल के मैदान का निरीक्षण किया और पूजा ने संगणक का निरीक्षण किया। कविता ने 7th A में भूगोल पढ़ाया। मैंने को करिकुलर एक्टिविटी की चर्चा की। अब फिफ्थ पीरियड में क्या हुआ, 3 से 3:30 बजे तक संगणक रूम में निरीक्षण किया संध्या जी ने। अंशिका ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ की चर्चा की। मधु ने कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। रीना ने कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। पूजा ने PEC लेसन की चर्चा की। कविता ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तैयारी की। मैंने कॉलेज के सुपरवाइजर से मिलकर आगे कैसे कार्य किया जाए इसकी चर्चा की। ये फिफ्थ पीरियड तक हुआ डे वन में। अब डे टू में आइए, क्योंकि हमें सिर्फ 5 पीरियड मिलते थे, उसी में हमें सब इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करनी थी। अब डे टू में आते हैं। मंगलवार था, 15 तारीख थी 2013, फर्स्ट पीरियड 1 बजे से 1:30 बजे तक। अंशिका ने 7th B को हिंदी पढ़ाया। सीमा ने 7th A को हिंदी पढ़ाया। संध्या ने पाठ की पूर्व तैयारी की। रीना ने 7th A में सीमा का ऑब्जर्वेशन किया। पूजा ने अंशिका का ऑब्जर्वेशन किया और मैंने पर्यवेक्षिका जी जहां पाठ हो रहा था उस कक्षा में पहुंचाया। विज्ञान के अध्यापक का मधु ने 8th B में ऑब्जर्वेशन किया।
ये हो गया पहला पीरियड। दूसरे पीरियड में क्या हुआ, 1:30 से 2 बजे तक एट्थ बी को संध्या ने इतिहास पढ़ाया, रीना ने पीईसी के लेसन की तैयारी की, कविता ने पाठ की पूर्व तैयारी की, मधु ने एट्थ बी को विज्ञान पढ़ाया। इससे पहले मैंने पर्यवेक्षिका जी को दोनों कक्षाओं को दिखाकर अपने रूम में जहां हम ठहरे थे वहां पर ले गए। थर्ड पीरियड में क्या हुआ, 2:30 से 2:30 बजे तक सिक्स बी में हिंदी पद्य संध्या जी ने पढ़ाया, रीना ने पाठ की पूर्व तैयारी की, कविता ने एट्थ बी में भूगोल पढ़ाया, हंसिका ने एट्थ ए में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई, CCA की चर्चा की, अगले पीरियड की तैयारी मधु ने शुरू की। फोर्थ पीरियड में क्या हुआ, 2:30 से 3 बजे तक संध्या जी ने PEC के लेसन की तैयारी की, रीना ने एट्थ ए में हिंदी कविता पढ़ाया, पूजा ने सेवेंथ बी में नागरिक शास्त्र पढ़ाया, कविता ने पाठ की पूर्व तैयारी की और मैंने CCA एट्थ ए में करवाया, मधु जी ने एट्थ बी में गणित में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया। और लास्ट पीरियड 3 से 3:30 बजे तक संध्या जी ने PEC का लेसन सेवेंथ ए में दिया, पूजा ने पाठ का निरीक्षण किया, कविता ने सेवेंथ ए में हिंदी पढ़ाया, सेवेंथ बी को अंशिका ने भूगोल पढ़ाया, ऑब्जर्वेशन बुक की पर्यवेक्षिका जी ने हस्ताक्षर करवाया और मधु ने सिक्स ए में वैजिक व्यंजकों को जोड़ना पढ़ाया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो मैंने ये दो दिन का बताया, इसी तरीके से जो है हर दिन का जो है ये तीसरे दिन का हो गया दोस्तों। ये तीसरे दिन का हो गया, ये तीसरे दिन का हो गया। इसी तरीके से चौथे दिन का, ये चौथे दिन का हो गया। और ये मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि कैसे इंटर्नशिप ग्रुप की रिपोर्ट लिखी जाती है। ये पांचवा दिन का, सेम पांच पीरियड का, सब दिन भर क्या होता है इंटर्नशिप के दौरान वो हमें रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। तो day 6 का ये हो गया। और इसी तरीके से day 7, ये day 7 हो गया। और day 8, क्योंकि ये बच्चों को एक फॉर्मेट मिल जाता है प्रायोगिक BEd में, क्योंकि जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्रायोगिक BEd है, जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये टोटल 9 दिन का इंटर्नशिप इसमें था और लास्ट दिन हमने जो है वहाँ के जो टीचर्स थे उन्हें अल्पाहार करके, उनका स्वागत करके सबने भाषण दिया था और सबका जो है आभार प्रकट करके हमने इंटर्नशिप अपना कंप्लीट किया था। तो दोस्तों ये इंटर्नशिप ग्रुप की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आज हमने उसके विषय में चर्चा की। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।